press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. देश का पहला ऐसा शो जो आपको बताएगा हजारों सरकारी वैकेंसीज के बारे में, एक ऐसा शो जहां पर आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, वो भी सीधा फोन कॉल से, और पूछ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल, या एक्सपर्ट चर्चा करेंगे उस हफ्ते की मोस्ट लुक्रेटिव वैकेंसी के बारे में। तो जुड़िए हमारे साथ इस खास शो में जिसका नाम है वैकेंसी अड्डा द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हर मंगलवार रात 8 बजे ओनली ऑन Adda247। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आपकी भारी डिमांड पर, ह्यूज डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं इस वजह से क्योंकि उन्हें उसके बेसिक्स ही नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि लास्ट ईयर भी SBI PO मेन्स में इस पर बेस्ड एक केसलेट आया था। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए। देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट द चांसेस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको बोलूँगा कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि लेट अस से कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन पर 2 आउटकम पॉसिबल हैं, कौन कौन से? हेड और टेल। ठीक है, हेड आने के चांसेस क्या हैं? तो आप बोलोगे कि हेड आने के चांसेस भी 1/2 हैं एंड टेल आने के चांसेस भी क्या हैं? 1/2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? तो मेरे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं और मुझे उसमें से फेवरेबल क्या है, मुझे हेड चाहिए। तो ऊपर कितना आउटकम पॉसिबल है, फेवरेबल है, 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपने कोई भी लेट अस से कि डाइस थ्रो किया, ठीक है, लूडो आपने खेला होगा, उसमें डाइस होता है, उसमें जो आउटकम्स पॉसिबल होते हैं वो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल होते हैं, राइट? अब इसमें मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट करोगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो मेरे पास 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। और इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2 और 3 इवन नंबर्स हैं मेरे पास, तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? 3। आइडियली हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट? मैं इन 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कितने तरीके से कर सकता हूँ? 3C1। ठीक है, NCR का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ 6C1 पॉसिबल आउटकम्स,
दैट मीन्स 3C1 मतलब 3 एंड 6C1 मतलब 6, सो इट बिकम्स 1/2, ठीक है, 1/2 होगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैंने दो डाइस थ्रो किए, लेट अस से कि मैं आपसे ये पूछूं कि इफ टू डाइस आर थ्रोन, या टू डाइस का प्लूरल होता है डाई, इफ टू डाई आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग sum of outcomes as phi, जो दोनों आउटकम्स आए, दोनों डाइस पर जो रिजल्ट आए उनका सम जो है फाइव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं डिफरेंट केसेस बनाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा काम है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना, ठीक है। अब पहले डाइस पर 6 आउटकम पॉसिबल है और दूसरे पर भी 6 पॉसिबल है, तो टोटल कितने पॉसिबल हैं, 6 × 6 36 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 6 × 6 36। अगर मेरे पास 3 डाइस होते तो मैं क्या करता, 6 × 6 × 6 3 बार करता। अगर मेरे पास n डाइस होते तो मैं क्या करता, 6 × 6 n टाइम्स करता, मतलब 6 की पावर n करता, राइट। तो इस तरीके से होता है, राइट। तो दो डाइस अगर हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 × 6 होंगे, इतना पक्का है। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो मैं फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालूंगा वो देखना, कि मुझे 5 का सम चाहिए। मतलब अगर मैं पहले डाइस पर 1 लाता हूं तो दूसरे पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, तभी तो बनेगा एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 एंड दूसरे पर 3 आ जाए। तीसरी क्या बनेगी, अगर इस पर 3 आए तो दूसरे पर 2 आ जाए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अगर इस पर 4 आए तो उस पर 1 आ जाए, 4+1 5 हो जाए। अगर इस पर 5 आए तो उस पर कितना आ जाए, 0 आ जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 0 तो होता ही नहीं। अगर इस पर 6 आया तो उस पर -1 होना चाहिए, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। तो कितने केस पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 चार केस पॉसिबल हैं। तो 4 फेवरेबल केसेस हैं एंड टोटल केसेस कितने, 36। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, 1/9 बनेगी, राइट, 1/9 बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये तो बहुत आसान था, आपने केसेस काउंट किए निकाल लिया। लेकिन अब यही क्वेश्चन टफ हो जाता अगर मैं इस तरीके से इसको पूछता, एज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ आउटकम्स एज ग्रेटर देन 5, हमें 5 से ग्रेटर चाहिए, राइट, 5 से ग्रेटर चाहिए, तो क्या करेंगे। अब मुझे आउटकम जो चाहिए मेरे, वो मेरा जो सम है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे ऐसे पूछा गया तो फिर मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, देखो ग्रेटर देन 5 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कि अगर मुझे यहाँ पर पहले पर 1 मिलता है, मैं केसेस बनाता हूँ, ठीक है। दो डाइस हैं, सिंपल सी, टोटल तो बनेगा 6 × 6 36, उसकी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए न्यूमरेटर, तो केसेस काउंट करने पड़ेंगे। लेट अस से कि 1 अगर यहाँ पर आया तो ग्रेटर देन 5 के लिए यहाँ 4 तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 4 रखा तो 4+1 5 बनेगा, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 रखूँगा, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, 5 से ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर दूसरे पर 1 आता है, ये तो 1 वाले केस बने। अगर दूसरे वाले पर 2 आया तो 2 के साथ यहाँ क्या हो सकता है, 2+4 6, देन 2+5 2+6, ये भी हो सकता है, 3 केसेस। अगर पहले वाले पर 3 आता है तो 3+3, देन 3 4 3 5 3 6, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे अगर मैं केसेस बनाऊंगा तो देखो कितने बनेंगे, 4 के साथ क्या बनेगा, 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ये सारे बनेंगे, राइट। ये फिर एक बढ़ जाएगा, 5 के साथ बनाऊंगा तो 5 1 5 के साथ तो कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 सब चलेगा। और यहाँ पर अगर 6 आया तो 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है, सब चलेगा। तो कितने केसेस बने, देखो यहाँ पर 2 बने, यहाँ पर कितने बने, 3 बने, यहाँ पर कितने बने, 4 बने, यहाँ पर कितने बने, 5 बने, यहाँ पर 6 बने और यहाँ पर 6 बने। तो कुल मिलाकर मेरे फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, इतने आएंगे। तो इतने को काउंट करूँगा तो 5 और 4 9 5 14 6 20 और 6 26 26 केसेस आएंगे, यस। टोटल कितने केसेस आएंगे, 26। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी इसकी, 26/36, यानी कि 13/18, यस और नो, 13/18 आएगा, ओके, 13/18 आएगा, ठीक है। बात समझ में आती है
कि 13/18 इसका आंसर आएगा, राइट, 13/18। लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को डायरेक्ट करना हो तो मैं दूसरी अप्रोसेस को कर सकता हूँ। देखो कैसे कर सकता हूँ कि मैं इतने केसेस अगर नहीं बनाना चाहता, अगर मैं इतने केसेस नहीं बनाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा सोचूंगा। उल्टा कैसे सोचूंगा, देखो ऐसे सोचूंगा, किस तरीके से, देखो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 5 दैट इज एज गुड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन इक्वल टू 5। यस, नंबर लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। मे बी कि इससे लेंथी पड़े शॉर्ट पड़े उसकी बात अलग है, लेकिन हम ऐसे ये अप्रोच देखते हैं एक बार, ठीक है, कि ग्रेटर देन 5 चाहिए तो मतलब क्या नहीं चाहिए। लेस देन इक्वल टू 5 मुझे नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर चाहिए, सम जो है 5 से बड़ा चाहिए। तो 5 से कम या बराबर आए तो नहीं चलेगा, तो उसे 1 में से हम घटा देंगे। तो लेस देन इक्वल टू 5 वाले केसेस अगर देखें तो क्या बनेंगे, 1 के साथ क्या बनेगा, 1 2, ठीक है, 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, ठीक है, 1 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 से देखूं तो 2 के साथ 1 2 एंड देन 2 प्लस 2 4 खत्म, 2 3 तो 5 हो जाएगा, राइट, सॉरी 2 3 5 भी चाहिए, ठीक है। फिर 3 के साथ देखूं तो 3 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 प्लस 2 5 खत्म। देन अगर 4 के साथ देखूं तो क्या होगा, 4 के साथ केवल 1 आ सकता है, क्योंकि 4 2 तो 6 हो जाएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, मुझे ये चाहिए। देन 5 के साथ देखूं तो 5 के साथ तो कुछ आ ही नहीं सकता, राइट, तो 5 तो अकेले में अपने आप ही 5 है, हमें तो लेस देन 5 चाहिए, 5 के साथ कुछ जोड़ूंगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो केवल इतने से केस बने, आप देखो कितने बने, 3 और 3 6 और 2 8 और एक ये, तो 3 केस यहाँ, 3 केस यहाँ, 2 केस यहाँ और 1 केस यहाँ, तो कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 बना। तो 1 माइनस कितना होगा, 9/36। यस, सुन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 9/36। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखो 1 के साथ वाले केसेस बने, देखो 1 के साथ वाले केसेस बने, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 प्लस 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, ठीक है, 1 में से उसे घटाएंगे तो ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 या 5 से कम चाहिए, तो 1 के साथ, ओके एक चीज़ मिस कर दी हमने यहाँ के, 1 के साथ 1 भी आ सकता है ना, 1 2, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने केस बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये बनेगा। तो अगेन दिस विल बिकम 26/36, दैट मीन्स 13/18। तो अभी भी मेरा आंसर वही आएगा, 13/18, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होगी, राइट। तो अभी भी मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, अब मैंने देखा कि इसमें मुझे कम केसेस बनाने पड़े, आप देखो ना कि इसमें कितने केस बनाने पड़े, 10, और उसमें कितने बनाने पड़े थे, 26, तो कौन से में ज़्यादा फायदा है, इसमें ज़्यादा फायदा है ना, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये वेरियस अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी की, और इसको हम सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे, राइट, एक एक चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ, आज का पहला सवाल ये आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करो इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर समझ में आ जाता है तो इससे अच्छा टॉपिक कोई है ही नहीं, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। देखो क्या है, क्या बैग कंटेन्स 8 मैंगोज एंड 6 बनानास, 4 फ्रूट्स आर ड्रॉन आउट 1 बाय 1 एंड नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट फ्रूट्स। यहाँ जलेबी वाला फिर से आ चुका है सर, उसको ब्लॉक कर दीजिए। टेन बाई 143, पीपल आर सेइंग ऑप्शन ए 10/143। कुछ लोग कह रहे हैं आनंद का आंसर 20/143, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब बैग कंटेन्स 8 मैंगोज एंड 6 बनानास, ठीक है, एक बैग में मैंगोज कितने हैं, 8, एंड बनानास कितने, 6, ठीक है।
अब बोला है कि 4 fruits are drawn 1 by 1 एंड नॉट रिप्लेस्ड, बिना रिप्लेसमेंट के। इसका मतलब क्या होता है कि एक फ्रूट मैंने निकाला, उसको वापस नहीं रखा, उससे पहले दूसरा फ्रूट निकाल लिया, उसको भी वापस नहीं रखा, तीसरा निकाल लिया, उसको भी वापस नहीं रखा, चौथा निकाल लिया। ठीक है, ये राइट, ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडा है। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं निकालूं तो अल्टरनेटिवली डिफरेंट फ्रूट्स आए, मतलब एक मैंगो एक बनाना, एक मैंगो एक बनाना, ऐसे आए, या फिर एक बनाना एक मैंगो, एक बनाना एक मैंगो, इस तरीके से आए। राइट, तो केसेस क्या बन सकते हैं यहाँ पर कि पहला वाला मैंगो हुआ, दूसरा वाला बनाना हुआ, फिर मैंगो, फिर बनाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोबेबिलिटी में, राइट, पहला वाला बनाना, दूसरा वाला मैंगो, पहला बनाना, दूसरा मैंगो, ऐसे भी आ सकता है। राइट, क्लियर, इनमें से कोई भी केस हो सकता है कि मैंगो बनाना, मैंगो बनाना, या फिर बनाना मैंगो, बनाना मैंगो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब देखो कि अगर मैं बात करूं मैंगो की, कि पहला फ्रूट मैंगो हो, ठीक, पहला फ्रूट मैंगो, उसके चांसेस क्या होंगे कि मुझे पता है कि टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने, 8 or 6, 14 फ्रूट हैं। अगर मैं इसमें से एक मैंगो निकालना चाहता हूं तो चांसेस क्या बनेंगे, 8 by 14, समझ में आता है बात। दूसरा वाला बनाना हो, अब बनाना देखो, बनाना कितने हैं, 6 बचे हैं मेरे पास, अब मैंने रिप्लेस नहीं किया है, जो फ्रूट मैंने निकाला था, एक मैंगो मैंने निकाल लिया, अब उसको वापस नहीं रखा, अब जब वापस नहीं रखा तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 13 हो गया कि नहीं हो गया, 14 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। राइट, ये बात समझ में आती है कि टोटल अब मेरे लिए 13 हो जाएगा क्योंकि मैंने वापस नहीं रखा है उसको। अच्छा, अब मैंगो कितने बचे, देखो मैंगो एक तो मैं निकाल चुका था यहाँ पर, राइट, एक मैंगो मैं निकाल चुका था, तो 8 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, डिवाइड बाई कितना, अब टोटल तो एक एक कम होता जाएगा, टोटल में फिर 12 हो जाएगा। अब एक बनाना, बनाना एक तो मैं यह निकाल चुका था, तो अब एक कम हो जाएगा, मतलब 6 में से कितना बचेगा, 5 बचेगा। राइट, बात समझ में आ रही है, 5 बचेगा, ओके, तो 5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 11। अब सेम चीज, और का मतलब हमेशा होता है प्लस, और का मतलब प्लस होता है। राइट, ठीक है, अब बनाना में देखो, बात करें बनाना में, बात करें तो कितना होगा, 6 by 14, सबसे पहले 6 by 14 हुआ, फिर उसके बाद मैंगो, मैंगो कितना होगा, 8 by 13, टोटल एक एक कम होता जाएगा। राइट, इसके बाद अगर मैं बनाना की बात करूं तो एक मैं निकाल चुका हूं, तो अब कम हो जाएगा, 5 by 12, एंड ये भी एक कम हो जाएगा मैंगो, 7 by 11, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज है, ठीक है, समझने में काफ़ी आसान है। अब देखो कि मैं क्या करूँगा, 6 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कर सकता हूँ, 2 से इसको काट सकता हूँ 4 बार, ठीक है, और 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 7 कट गया, ठीक है, खत्म। अब इसी तरीके से 8 6 7 5 और 8 से 7 5, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर आया उसका डबल कर दो। राइट, इसको अलग से कैलकुलेट क्यों करो, जो यहाँ पर आया उसका डबल कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर कितना आया, देखो 2 + 5 = 10 बाई कितना, 143, तो जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 143 है ना, तो जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, 10 by 143। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 by 143। दिस इज माई आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है, यस और नो, क्लियर है, चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल, इफ 4 coins आर टॉस्ड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads। अगर मैंने 4 सिक्के उछाले हैं, 4 coins उछाले हैं, और मेरे पास बिल्कुल 2 head आए, एग्जैक्टली 2 heads, ना एक कम ना एक ज्यादा, तो उसके चांसेस क्या होंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो काफ़ी स्लोली और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं अपना पूरा 100% ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। राइट, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। राइट, काफ़ी स्लो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 by 16, 1 by 256, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 by 256, कुछ कह रहे हैं 1 by 16, जरा देखते हैं। देखो जैसे कि 2 dice अगर मैंने उछाले थे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बने थे, डिनोमिनेटर में क्या आया था नीचे, 6 × 6। ऐसे ही अगर मैं 4 coin उछालता हूँ तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 × 2 × 2 × 2, 4, क्योंकि हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 4, 16,
ठीक है, दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। अब मुझे चाहिए फेवरेबल, कि मुझे चाहिए एग्जैक्टली टू हेड्स। अब बताओ कि चार कॉइन अगर आपने उछाले हैं, चार सिक्के अगर उछाले हैं, अगर दो पर हेड आता है तो बचे हुए दो पर क्या आएगा, टेल आएगा कि नहीं? अगर दो पर हेड आता है तो बचे हुए दो पर तो बाय डिफॉल्ट सी बात है, मतलब टेल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखो क्या होगा कि हेड हेड टेल टेल ऐसे भी आ सकता है। दूसरा क्या बन सकता है अरेंजमेंट, कि हेड पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, फिर हेड फिर टेल आया, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, हेड टेल टेल हेड आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें, टेल हेड ये आ गया, राइट। उसके बाद टेल हेड हेड टेल ऐसे आ गया, फिर उसके बाद टेल हेड, उसके बाद क्या आ सकता है, टेल टेल हेड हेड ऐसे आ सकता है, राइट। इसके अलावा क्या 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 आ सकता है बताओ, कि हेड टेल टेल हेड हो गया, राइट, हेड हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया। तो कुल मिलाकर इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं, बट दिक्कत ये है कि हाउ विल आई एंश्योर कि कितने बनेंगे, कि छः हो गए। अब मैं सोचता रहूँगा कि कोई बच तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, और ये तो बड़ी आसान सी बात है। इसके अगला जब सवाल आएगा उसमें 10 सिक्के होंगे, और उसमें आप फिर कैसे काउंट करोगे, उसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, राइट। ये बात समझ रहे हो आप कि ऐसे में कैसे कब तक काउंट करता रहूँ। ये चार केस, चार सिक्के केस में तो कर लिया मैंने, छः हो गया, राइट। तो मैं इनको, अगर नंबर ऑफ कॉइंस मेरे पास, अगर मुझे दे दिए 50 कॉइंस हैं और उसमें 10 पर हेड आना चाहिए, तो क्या मैं 50 ऐसे अरेंजमेंट बना बना कर देखूंगा एग्जाम में? नहीं, राइट, ऐसे नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरे पास कोई तो तरीका होना चाहिए। तो देखो तरीका क्या है, मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। ये कितने केस बने, 6 केस बने, राइट। ये 6 केस आपको ऐसे लिख कर बनाने की जरूरत नहीं थी, इसको ऐसे लिख कर बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं सिंपल एक ही केस बनाता, मैं बनाता केवल हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, मुझे दो हेड दो टेल चाहिए, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ कि अगर CAT कैट को आपको अरेंज करना हो, परम्यूटेशन बनाने हो, अरेंजमेंट बनाने हो, तो आप कितने तरीके से बनाओगे, आप कितने तरीके से बना सकते हो? तो तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो मैं इनको किस तरीके से अरेंज करूंगा, 3 factorial तरीके से, राइट। लेकिन अगर वहीं आपके पास ऐसा हो एप्पल, अगर ये हो एप्पल, तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज करोगे? तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पर P जो है दो बार रिपीट हुआ है, P आया है दो बार, ठीक है। P की फ्रीक्वेंसी क्या है, दो है। तो आप देखो कि कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं करूँगा 5 factorial डिवाइड बाई P, दो बार आया है तो डिवाइड बाई P की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, 2 factorial से, राइट। P की फ्रीक्वेंसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। वहीं अगर मुझसे ये वर्ड पूछ लिया जाए कि इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, मैंने बोला कि इंस्पिरेशन, इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, TION, इस तरीके से, ठीक है, इंस्पिरेशन, राइट। तो अगर मुझे इसका अरेंजमेंट पूछा है तो आप एक बात बताओ कि इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो मैं देखूंगा कि कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आएगा, 11 factorial आएगा, ऊपर तो आएगा 11 factorial, और नीचे क्या आएगा, जो रिपीट हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो कि आई 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 तीन बार आया तो 3 factorial, और दूसरा एन रिपीट हुआ है तो 2 factorial। तो 11 factorial डिवाइड बाई 3 factorial इंटू 2 factorial, ऐसे होता है। एक PNC का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पर केवल आपको रिवाइज कराया, राइट, ये मैंने आपको केवल रिवाइज कराया। अब उसी के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो ये HHTT है, मुझे क्या करना है, इनको अरेंज ही तो करना है। आपने क्या देखा कि इन 6 में क्या हुआ है, अरेंज ही तो हुआ है, और कुछ तो नहीं हुआ, केवल इनका अरेंजमेंट बना है कि 2H और 2T रहने हैं मेरे पास। ये दो लेटर्स हैं HH और TT, हालांकि ये कॉइन्स हैं, लेकिन हम इनको एक लेटर की तरह कंसीडर करें और इनका अरेंजमेंट देखें तो कितने बनेंगे। देखो टोटल है कितना, 4, तो ऊपर आएगा कितना, 4 factorial डिवाइड बाई, ये दो बार रिपीट हुआ, ये भी दो बार रिपीट हुआ, तो 2 factorial से डिवाइड कर दिया। नाउ 4 factorial का मतलब 4 × 3 × 2, एंड 2 factorial का मतलब 2 × दिस इज ऑल्सो 2, तो इससे कट गया, तो कितने आएगा, 6 आएगा, डायरेक्ट आ गया आपके पास 6 केस। 6 केस क्या आ गए, डायरेक्ट आ गए कि नहीं आ गए, राइट। मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं, इतना सब मुझे करने की जरूरत नहीं, ना मेरे पास एग्जाम में इतना समय है, राइट, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि 6 favorable cases डिवाइडेड बाई टोटल केसेस कितने, 16, तो आंसर इज वॉट, 3/8। आंसर क्या आया इसका, 3/8 आया, बात समझ में आई, आंसर क्या आया, 3/8 आया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये और मजेदार बन जाएगा जब आपके पास नंबर ऑफ कॉइंस ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये। अब ये कुछ यहां पर दिया है
कि देयर इफ 10 कॉइंस आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. अब जब ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में और आप मैनुअली अगर ऐसे बनाने बैठ गए तो फिर हो गया, एक घंटा पूरा इनको इनके केसेस बनाने में निकल जाएगा, राइट. तो हमारे पास ये मेथड है, हम इसका यूज करेंगे और तुरंत इसका आंसर करेंगे. जल्दी करें, इसका आंसर क्या होगा. इफ 10 कॉइंस आर टॉस्ड, हमारे पास टोटल 10 कॉइंस हैं. अब 10 कॉइंस अगर हैं, अगर 4 कॉइंस थे तो 2 की पावर 4 16 आउटकम्स थे. अब अगर 10 कॉइंस हैं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 10 आउटकम्स होंगे टोटल, यानी कि 1024 1024 आउटकम्स हुए, राइट 1024. अब यहां पर देखो कि यहां पर मुझे क्या चाहिए, देखो एग्जैक्टली 2 हेड्स. तो अगर 10 कॉइंस हैं तो आप बताओ कि हेड्स कितने आ रहे हैं, 2, तो बचे हुए 8 क्या आएंगे, टेल्स कितने होंगे, 8. अब मेरे पास 2 एच हैं और 8 टी हैं, मेरे पास इंग्लिश का एक वर्ड है, उस वर्ड में 2 एच है एंड देर आर 8 टी, ठीक है. तो मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा, तो देखो टोटल 10 वो लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 लेटर्स हैं 10 फैक्टोरियल. एच कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से. एंड अगर टी आया 8 बार तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 फैक्टोरियल. सिंपल, बहुत आसान अप्रोच. तो इसको क्या लिखा मैंने, इसको 10 बाहर निकाला 9 बार निकाला, बचा क्या अंदर 8 फैक्टोरियल, ये बचा. और नीचे क्या है, इसको 2 लिखा और इसको 8 फैक्टोरियल लिखा. तो मैंने देखा कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, राइट. बचेगा क्या, 90/2 मतलब 45. तो मेरे पास ओवरऑल आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने, 45. एंड टोटल आउटकम्स कितने, 1024. दिस इज माई आंसर, 45/1024. आसान तरीका है, वेरी इजी मेथड, यस और नो, बहुत आसान है, ठीक है, समझ आ गई बात, 45/1024. चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखो आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन. अब बास्केट कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, तो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और SBIPO मेंस 2016 में जो केस लेट पूछा गया था वो भी बॉल से रिलेटेड था, बॉल्स एंड बैग्स से रिलेटेड. देखो, अ बास्केट कंटेन्स 10 रेड बॉल्स एंड 15 व्हाइट बॉल्स, आउट ऑफ विच देर आर 3 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स आर डैमेज्ड. इफ 2 बॉल्स सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर व्हाइट बॉल्स और बोथ आर नॉट डैमेज्ड. इस सेशन को आपका एक, आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि सेशन को शेयर कीजिए, राइट. ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्लासेस मैं आपको दूंगा, राइट. लेकिन अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट इसमें कम है पढ़ने में तो फिर हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे, राइट. तो मुझे लग नहीं रहा कि आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दिखाना है तो नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा आपको ज्वाइन कराने हैं, नंबर ऑफ जितना भी आप शेयर कर सकते हैं सेशन को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट. तब तो मज़ा भी आएगा. सर टाइम एंड वर्क का सेशन कब होगा, बहुत कंफ्यूज हूँ. बिल्कुल नाम स्टूडेंट का है, पुलिस वाला गुंडा, ठीक है, पुलिस वाला गुंडा जी, सेशन जल्दी होगा टाइम एंड वर्क का भी. अब तो नाम ऐसे रख लेते हैं कि मतलब नाम लेने में भी शर्म आए कि क्या नाम है. देखो तो इसका आंसर, देखो अभी तक किसी का आ नहीं पाया है, इसका आंसर अभी आया है, कुछ लोग कर रहे हैं 258 बाय समथिंग नन ऑफ दीज. चलो देखते हैं क्या करेंगे. देखो हमारे पास बास्केट में 10 कुल मिलाकर 10 बॉल्स हैं, 10 रेड बॉल्स हैं एंड 15 वाइट बॉल्स हैं. अब देखो रेड कितनी हमारे पास, 10 रेड बॉल्स हैं, कितनी 10, ठीक है, रेड बॉल्स हैं कितनी 10, जिसमें से 3 रेड बॉल्स आर डैमेज्ड, ठीक है, तो इसमें डैमेज्ड कितनी है, 3 डैमेज्ड कितनी है, यहां पर लिख देता हूं, डैमेज्ड है 3, ठीक है, तो कितनी नॉन डैमेज्ड है, मैं बोलूंगा कि नॉन डैमेज्ड कितनी है, 7 बोलूंगा कि नॉन डैमेज्ड कितनी है, 7. अगर डैमेज्ड है 3 तो नॉन डैमेज्ड कितनी है, 7. इसी तरीके से मेरे पास 15 व्हाइट बॉल्स हैं, तो व्हाइट बॉल्स कितनी है, 15,
वाइट बॉल्स कितनी 15, अगर 15 वाइट बॉल्स हैं मेरे पास तो उसमें देखो क्या होगा कि उसमें कितनी डैमेज है, देर आर 4 वाइट बॉल्स डैमेज, तो आई कैन से डैमेज कितनी 4, ठीक है डैमेज कितनी 4, ठीक है डैमेज है 4, तो नॉन डैमेज कितनी, सिंपल सी बात, नॉन डैमेज कितनी 15 माइनस 4 यानी कि बची हुई 11, ठीक है। तो आप बताओ कि इसके आगे क्या दिया गया है कि इफ टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम, मैंने कोई सी भी मतलब रेंडमली कोई भी दो बॉल उसमें से पिक की एंड उसमें से क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर वाइट बॉल्स और बोथ आर नॉट डैमेज्ड। बड़ा अच्छा, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, राइट, लेकिन अगर आपके फंडा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे इसको। देखो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी और आएगा, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, इस साइन को मैं बोलूंगा यूनियन, ठीक है कॉन्सेप्ट समझना जरा ध्यान से। एंड जब भी एंड आएगा, एंड का मतलब होता है कॉमन चीजें, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टू एंड थ्री, ऐसा नंबर जो टू एंड थ्री दोनों का मल्टीपल हो, मतलब दोनों का मल्टीपल हो, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, तो इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। कॉमन का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, किसी ने अगर थोड़ी बहुत सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कि और का मतलब होता है यूनियन, आइदर और मैं बोल सकता हूँ इसको, और या आइदर और कुछ भी, आइदर और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। ये बात दिमाग में बैठ गई आपके कि आइदर और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, राइट, ठीक है ये बात आ गई दिमाग में। अब मुझे क्या बोला है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर वाइट बॉल्स और बोथ आर नॉट डैमेज्ड, ठीक है आइदर और पूछा है मतलब यूनियन पूछा है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला कितने लोगों ने पढ़ा है बताओ सेट थ्योरी में, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आती है कि नहीं आती बताओ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ जाती है, ये बात पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, इतना पक्का है कहीं तो पढ़ा होगा। चलो हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, एक इवेंट है बोथ आर वाइट बॉल्स और बी दूसरी इवेंट है एंड बोथ आर नॉट डैमेज्ड, ठीक है तो एक बात बताओ कि वाइट बॉल्स अगर दो हैं तो दो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली इवेंट है मेरे पास बोथ आर वाइट बॉल्स तो दो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15c2 15 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लें डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 10 + 15 25c2, यस ये पहली इवेंट। दूसरी इवेंट क्या है, बोथ आर नॉट डैमेज्ड तो बोथ आर नॉट डैमेज, तो नॉट डैमेज कितनी है मेरे पास टोटल 10 7 + 3 10, इनमें से कोई भी 10 में से दो सेलेक्ट कर लो, 10c2 upon total is 25c2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बोथ आर वाइट एंड बोथ आर नॉट डैमेज में कॉमन क्या है कि वाइट नॉट डैमेज, कि दोनों वाइट भी हूं और नॉट डैमेज भी हूं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, एंड एंड का मतलब बोथ आर वाइट एंड बोथ आर नॉट डैमेज, मतलब वाइट बॉल ऐसी दोनों वाइट भी हूँ और नॉट डैमेज भी हूँ। तो हमने देखा कि वाइट वाली कितनी है कुल मिलाकर हमारे पास कितनी है 15, उसमें से नॉन डैमेज कितनी 11, तो ये 11 बॉल ऐसी हैं जो वाइट भी हैं और नॉन डैमेज भी हैं, तो इन 11 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो 11c2 आप और नीचे कितना आएगा 25c2। ये बात समझनी पड़ेगी, अब इनको सॉल्व करना तो आप सॉल्व तो कर ही लोगे, ये 15 × 14/2 होगा और ये क्या होगा 25 × 24/2, तो बाई टू से बाई टू कट जाएगा, दिस इज वॉट 10 × 9 upon 25 × 24, दिस इज वॉट 11 × 10 upon 25 × 24। अब 25 × 24 तो सब में कॉमन है, ठीक है तो कितना आएगा ये देखो 15 × 14 मतलब 140 + 70 210, ठीक है 210 प्लस ये कितना हुआ 90, 210 + 90 300 माइनस 110 कितना हुआ 300 - 110 190 डिवाइड बाई दिस 25 × 24 मतलब दिस 100/4 तो मतलब 600, यस 100/4 किया तो 2400 / 4 मतलब 600, आंसर क्या आया 19/60, यस ओ नो 19/60, क्लियर है। नॉन डैमेज 18 आएगा सर, नॉन डैमेज एक सेकेंड 18 कहाँ पर है 18 ओ सॉरी एक सेकेंड बोथ आर नॉन डैमेज, मैंने ये वाला क्यों काउंट कर लिया, नॉन डैमेज में यहाँ पर सॉरी कि दिस शुड बी दिस वाज माय मिस्टेक, नॉन डैमेज वाली मैंने यहाँ पर देखी ना तो कितनी आएगी 11 × 7 = 18 आएगा, ये 18 कर दो इसको 18 कर दो, बस थोड़ा सा चेंज है 18 × 17 आएगा यहाँ पर 18 × 17 आएगा, थोड़ा सा सही कर लो बस,
नॉन डैमेज्ड चाहिए ना, बोथ नॉन डैमेज्ड, तो मतलब 11 प्लस 7 18 आएगा, तो ये कितना आएगा 210 प्लस ये कितना आएगा 17 8 136 कैरी 13 17 प्लस 13 30 306 माइनस 110 अपॉन ये कितना आएगा 600, तो ये कितना हुआ देखो जरा 210 में से 110 गया तो कितना बचा 600 बचा, और 100 प्लस 306 मतलब 406 अपॉन 600, ठीक है 406 अपॉन 600। अब इसको अगर काट दें दो से तो दो से आएगा 203 अपॉन कितना आएगा 300 आएगा 203 अपॉन 300, दैट मीन्स आंसर इज व्हाट ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। तभी मैं कह रहा था कि इतना मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है आंसर्स में, क्योंकि यहाँ पर गलती हुई थी कि दिस नॉन डैमेज टोटल कितना होगा 11 प्लस 7 18। देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना भी इतना आसान नहीं है। अगर आपने सेट थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी है पहले से तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना कितना भी दिमाग लगाते रहना एग्जाम में नहीं बन पाएगा, राइट। आइदर और का मतलब हमेशा यूनियन होता है, जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी में आइदर और पूछे उसका मतलब यूनियन होगा, ठीक है ये बात ध्यान रखो बस, ठीक है। तो आंसर इज दिस, रिपीट सर, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें चाहिए कि बोथ आर वाइड बॉल्स और बोथ आर नॉट डैमेज, आइदर और, आइदर और का मतलब क्या होता है यूनियन, एंड यूनियन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने दोनों इवेंट्स को अलग अलग तरीके से देखा कि पहली इवेंट है बोथ आर वाइट और दूसरी इवेंट है बोथ आर नॉट डैमेज, तो पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोथ आर वाइट, वाइट कितनी है कुल मिलाकर 15, तो 15 में से कोई दो सेलेक्ट की 15C2 डिवाइड बाई टोटल 25C2, ये तो आसान है। बोथ आर नॉन डैमेज, तो नॉन डैमेज कुल मिलाकर कितनी थी 7 प्लस 11 18 C2 डिवाइड बाई 20, ये तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई, इसमें से इनको कॉमन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों वाइट भी हूँ और दोनों नॉन डैमेज भी हूँ, वो हमें हटाना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वो माइनस कैसे करेंगे कि बोथ आर वाइट बोथ आर नॉन डैमेज, ऐसी कितनी बॉल है कि जो वाइट भी हैं और नॉन डैमेज भी हैं, तो ये 11 बॉल ऐसी हैं जो वाइट भी हैं नॉन डैमेज भी हैं, उनमें से दो सेलेक्ट करने का जो केस है वो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट। तो वो माइनस कर दिया, अब इसको सॉल्व करना तो फिर आप कर ही लोगे, ठीक ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है चलिए। जगत जननी कह रही सर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अब देखो आपको वही क्वेश्चन करने हैं कि एक पासा फेंका और उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर वो क्वेश्चन करने के लिए क्लास की कोई जरूरत नहीं है, राइट। उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्लास की कोई जरूरत नहीं है, अगर क्लास करनी है तो कुछ नया सीखना है, राइट, कोई चीज़ ऐसी सीखनी है जो हमें पहले से नहीं आती हो, तब तो क्लास में हम कुछ टाइम जो यूटिलाइज करें उसका कोई फायदा है, वरना केवल टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले आऊँ आपके सामने कि एक बैग में इतनी वाइट इतनी रेड बॉल है, इसमें से दो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, तो फिर वो फिर फायदा नहीं होगा सेशन का कोई, ठीक है, कुछ नया सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अ बॉक्स कंटेन्स टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 16, 3 टिकट्स आर टू बी चोजन टू गिव 3 प्राइजेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 टिकट्स कंटेन अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जल्दी से बताएंगे इसका। अ बॉक्स कंटेन्स टिकट नंबर 1 to 16, 1 से 16 तक के नंबर है मेरे पास, नंबर क्या है टिकट के 1, 2, 3 अप टू 16, ठीक है ये है। अब हमें चाहिए 3 टिकट्स निकालनी है, ठीक है, एंड गिव 3 प्राइज, हमें 3 प्राइज उनको देने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 टिकट्स कंटेन अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, एटलीस्ट 2 टिकट्स कंटेन अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कम से कम 2 टिकट, हमने 3 टिकट अगर निकाली है, लेट अस से T1, T2, T3, लेट अस से मैंने 3 टिकट निकाली है T1, T2, T3, 3 नंबर मैंने इसमें से सेलेक्ट किए हैं, राइट, उनमें से कम 2 नंबर ऐसे हों जो 4 के मल्टीपल हों। अब कम से कम 2 नंबर का मतलब क्या है कि या तो 2 नंबर हों या 3 नंबर हों,
यस और नो, क्योंकि तीन ही नंबर है मेरे पास, मैंने तीन नंबर की टिकट निकाली, तीन, तो उसमें से या तो दो नंबर चार के मल्टीपल हूँ या तीन नंबर चार के मल्टीपल हूँ। बात समझ में आती है कि एटलीस्ट टू का मतलब क्या है, या तो दो नंबर चार के मल्टीपल हूँ या तीन नंबर चार के मल्टीपल हूँ। अब बताओ कि इसमें चार के मल्टीपल कौन से हैं, कितने मल्टीपल ऑफ फोर हैं, मतलब फोर के कितने हैं, फोर के मल्टीपल, फोर के की फॉर्म में कितने नंबर हैं, तो मैं देखूंगा कि चार आठ बारह सोलह, केवल चार नंबर हैं, ठीक है। एंड नॉन मतलब फोर के जो मल्टीपल नहीं है, मतलब चार के मल्टीपल जो नहीं है वो कितने होंगे, बारह, कुल मिलाकर सोलह नंबर है ना, तो चार के मल्टीपल कितने हैं, चार, और बाकी सब नॉन मल्टीपल है, चार के मल्टीपल नहीं है, राइट। तो कम से कम दो नंबर जो है चार के मल्टीपल हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि सबसे पहले मैं निकालूंगा कि दो नंबर चार के मल्टीपल हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फोर, दो नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फोर, तो मैं दो नंबर इनमें से सेलेक्ट करूंगा, यस, इन चार नंबर्स में से, चार आठ बारह सोलह, इनमें से दो नंबर सेलेक्ट करूंगा फोर सी टू, और बाकी जो बचा हुआ एक नंबर बचेगा वो नॉन मल्टीपल ऑफ, नॉन फोर में सेलेक्ट करूंगा जो चार के मल्टीपल नहीं है, तो क्या करूंगा 12C1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो वही है, इसको छोड़ो टोटल केसेस तो बाद में काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आएगा 4C2 मतलब 4×3 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 एंड 6×12 कितना होगा 72 केसेस ये बनेंगे, राइट। दूसरा, प्रोबेबिलिटी दैट देर आर थ्री नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फोर, ऑल थ्री नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ फोर, तीनों के तीनों नंबर चार के मल्टीपल हूँ, तो मतलब चारों के चार जो तीनों के तीनों नंबर हैं वो इनमें से सेलेक्ट कर लूँ, मतलब कैसे 4C3, और इनमें से तो कुछ सेलेक्ट नहीं करूँ, मतलब 12C0 इन बारे में से मुझे कुछ नहीं सेलेक्ट करना, अब 12C0 तो 1 होता है, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो 4C3 इज सेम एज 4C1, 4C4-3 दैट इज 4, तो कुल मिलाकर मेरे पास केसेस कितने आए, फेवरेबल केसेस 76, आइदर दिस केस और दिस केस, या तो ये होगा या ये होगा, या तो दो नंबर चार के मल्टीपल होंगे या तीनों के तीनों चार के मल्टीपल होंगे, राइट। तो 76 फेवरेबल केसेस आ गए, डिवाइड बाई टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो 16C3 सिंपल, 16C3 यस और नो, 16C3 सिंपल, कि 16 में से कोई भी तीन सेलेक्ट कर लिए, राइट, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या है कि 16C3 में मैं क्या करूँगा, 16×15×14 डिवाइड बाई 3×2×1 सिंपल, ठीक है। तो 3×2 तो 3 से कट गया ये 5 बार, 2 से कट गया कितनी बार, 8 बार, ठीक है। अब 2 से और काट दो, 2 से 4 बार, 2 से कितनी बार, या 4 से काट दो, 4 से 2 बार काट दो एंड 4 से 19 बार, तो 19/140 आंसर हो गया मेरा, 19/140 आंसर हो गया, 140 240 क्या आंसर होगा इसका, 19/140 होगा, राइट, 19/140 कैसे आ गया, 19/140 आ रहा है ना। अब देखो क्या होता है एग्जाम में कि 19/140 मेरा आंसर आ गया, लेकिन मुझे लगा कि 19/240 तो ऑप्शन में, तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तो क्यों ना 19/240 मार्क कर दें, राइट। ऐसे मार्क करके चले जाते हैं कि अंदाजा जो आंसर थोड़ा बहुत मैच हो जाता है ना उसको मार्क कर देते हैं, जबकि खुद का सही आया है, नन ऑफ दीज लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इसीलिए। ठीक है, समझ आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखो, चांसेस दैट रवि टेल्स ट्रूथ इज 35%, चांसेस दैट रवि सच बोलता है इसके चांसेस 35% है, एंड संचित अगर सच बोलता है उसके चांसेस 75% है, व्हाट परसेंट दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर आंसरिंग द सेम क्वेश्चन। एक एक सवाल के आंसर में दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए पाए जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है, ठीक है। देखो क्या है कि रवि सच बोलता है इसके चांसेस हैं 35/100, चांसेस दैट रवि टेल्स ट्रुथ, तो रवि सच बोलने के चांसेस हैं कितने, 35/100 मतलब 35/100, एंड संचित टेल्स ट्रुथ, संचित के सच बोलने के चांसेस क्या हैं, आई कैन से दिस इज 5/7 × 5 से 20, 7/20 बोल सकता हूँ, संचित के सच बोलने के चांसेस क्या है, 75%, यानी कि 75/100, तो आई कैन से इट इज व्हाट, 3/4,
ठीक है, 3/4, दोनों एक ही स्टेटमेंट का आंसर करें और दोनों अलग अलग आंसर करें। मतलब मैंने आपसे मैंने पूछा कि आज बारिश हुई है कि नहीं हुई, तो एक बोले हाँ तो दूसरा बोले ना, है ना, एक बोले हाँ तो दूसरा बोले ना, मतलब एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा। लेट अस से कि बारिश हुई है, रवि ने बोला हाँ तो रवि सच बोल रहा है, संचित झूठ बोल रहा है, संचित ने ना बोला, राइट। अगर मैंने बोला बारिश हुई है और बारिश सपोज नहीं हुई है तो रवि सच बोल, रवि झूठ बोल रहा है, संचित सच बोल रहा है, राइट। तो क्या होगा कि एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, तभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है कि एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, तो रवि सच बोल रहा है एंड संचित झूठ बोल रहा है, यस, और रवि झूठ बोल रहा है संचित सच बोल रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रवि के सच बोलने के चांसेस क्या है? 7/20 आप जानते हो, और संचित के सच बोलने के चांसेस अगर 3/4 है तो झूठ बोलने के चांसेस क्या होंगे? 1-3/4, सिंपल, ठीक है। और का मतलब प्लस, रवि के झूठ बोलने के चांसेस क्या होंगे? 1-7/20, ठीक है, और संचित का सच बोलने का चांसेस क्या है? 3/4, जानते हो आप, ठीक है। तो ये कितना होगा? 7/20 मल्टीप्लाइड विद 1/4, ओके, प्लस दिस इज 13/20 मल्टीप्लाइड विद 3/4। अब इसको कैंसिल करने के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल ऐसे 80 लिखो, ऊपर आएगा 7+39 कितना होगा? 7+39 46, ये बनेगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये? अगर 2 से कैंसिल करूँ तो 23 बार 2 से कैंसिल करूँ 40 बार, 23/40, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, राइट। समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। तो अगला सवाल है, देखो, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स इज इवन, दोनों नंबर्स का सम जो है इवन आए तो उसके चांसेस क्या है? सर SICI क्लास लीजिए, बिल्कुल SICI, क्योंकि आप जो रिक्वेस्ट करते हो सारी क्लासेस में कोशिश करता हूँ ले पाऊँ। जब अब लास्ट 2-3 दिन से रिक्वेस्ट आई थी सर प्रोबेबिलिटी की एक क्लास लीजिए, तो इसलिए मैंने आज प्रोबेबिलिटी क्लास रखी, और अब SICI बोल रहे हो तो ठीक है, SICI कर लेंगे। आयुष का आंसर आया सी ऑप्शन, ठीक है, आयुष का आंसर है ऑप्शन सी। चलो देखो क्या करेंगे इसको, लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। देखो, टू डाइस आर थ्रोन, सिंपल सी बात है, मतलब कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि अगर मैं दो डाइस उछालूंगा और दोनों के सम करूंगा और दोनों डाइस में इक्वल नंबर्स हैं, 1 से 6 1 से 6 1 से 6 इसमें, 1 से 6 इसमें, तो बड़ी एक कॉमन सेंस, अगर किसी मतलब सड़क चलते आदमी से ही पूछोगे तो वो कहेगा कि आधा चांसेस के सम इवन आए और आधा चांसेस सम ऑड आए, क्योंकि इवन आने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है, दोनों के बराबर चांस है, क्योंकि उसमें भी 3 इवन 3 ऑड नंबर है, इसमें भी 3 इवन और 3 ऑड नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि आंसर 1/2 होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे कि मेरे पास यहाँ पर डाइस 1 पर आउटकम्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और डाइस 2 पर मेरे पास कितने पॉसिबल है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सम इवन कब बनेगा, सम इवन कब बनेगा, या तो दोनों नंबर इवन हो या फिर दोनों नंबर ऑड हो, राइट। अब दोनों नंबर इवन हो मतलब इसमें से मैंने एक इवन नंबर सेलेक्ट किया, तो इतने इवन नंबर कितने हैं, 3 इवन और 3 ऑड हैं, तो 3C1, ठीक है, 3C1, एंड इसमें से भी एक इवन नंबर सेलेक्ट किया मतलब 3C1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई क्या होगा कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों डाइस हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं, ठीक है, तो मतलब 6 × 6 आएगा नीचे, सीधी बात है, 6C1 6C1 ऐसे लिख लो या 6 × 6 लिख लो, और बोथ आर ऑड, ऑड इसमें से निकालो तो 3C1 और इसमें से भी ऑड निकालो तो 3C1, डिवाइड बाई क्या, 6C1 × 6C1, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 9/36, और ये भी कितना बनेगा, 9/36, तो बोलूंगा कि दिस इज 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, जोड़ोगे तो 2/4 आएगा, यानी कि कितना, 1/2, कितना आता है, 1/2 आता है, वही है। अगर कॉमन सेंस से सोचते तो बस ऐसे सोचते कि दोनों में 3 इवन 3 ऑड है, उसमें भी 3 इवन 3 ऑड है, मतलब इवन आने के चांसेस ऑड आने के चांसेस बराबर हैं, 1/2 है, बिना पेन पे किए आंसर करता है इसका कायदे से तुम्हें, राइट। चलिए,
तो बात समझ में आती है ये, राइट। चलिए तो देखो, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, हमने काफ़ी कुछ आज सीखा है, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, ऐसा नहीं इतना होल पूरी प्रॉब्लिटी को पढ़ने के लिए काफ़ी है, उसमें अभी और भी चीज़ें हैं, राइट, हमें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आगे भी मैं आपके लिए प्रॉब्लिटी का सेशन लेकर आऊँगा, इसका पार्ट टू लेकर आऊँगा, राइट। तो डेफिनेटली आपको आज समझ में आया होगा, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की कि ऐसा टॉपिक जिसमें हमेशा डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, उसको आसान बनाकर कैसे समझाया जाए, वो मेरी यहाँ पर कोशिश थोड़ी रही है, उम्मीद है कि कोशिश थोड़ी कामयाब होगी, ठीक है। तो आगे भी हम जब प्रोबेबिलिटी का सेशन रखेंगे तो इससे आगे के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में जब एरिथमेटिक के सेशन रखेंगे तो उसमें भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि इन चीज़ों का रिवीजन होता रहे, राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।